ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें A1 न्यूज टीवी, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नमस्कार, स्वागत है आपका A1 न्यूज टीवी में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर संस्था द्वारा दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के सहयोग से राजधानी के विकासपुरी इलाके के जोगी बस्ती के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन मदर्स माउंट ग्लोबल स्कूल विकासपुरी में किया गया। आयोजन के चीफ गेस्ट CRPF कमांडेंट RK गुप्ता रहे। पेश है A1 न्यूज की खास रिपोर्ट। वो कहते हैं ना कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो राष्ट्र स्वस्थ होगा। प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए संस्था के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने इस मेडिकल चेकअप कैंप का आयोजन किया। कैंप की संयोजक ऋतु शर्मा रही। कैंप में आए मरीजों ने BP, ब्लड शुगर, हार्ट, थायराइड, आंखें, एलर्जी व बुखार संबंधी बहुत सी जांचें कराई, जिसके बाद उन्हें बीमारी के अनुसार निःशुल्क दवा वितरण भी किया गया। साथ ही कैंप में चेकअप के लिए मरीजों को संस्था द्वारा साफ सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखने को भी कहा गया, क्योंकि ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि हमारे आसपास रहने वाली गंदगी या सफाई का हमारे स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव पड़ता है। कैंप के दौरान निगम पार्षद श्वेता सैनी, पूर्व निगम पार्षद बलवीर त्यागी, संस्था की महासचिव संगीता शर्मा, जयपुर गोल्डन अस्पताल के असिस्टेंट PRO रवि शर्मा मौजूद रहे। नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ हैं CRPF 5वीं बटालियन के कमांडेंट श्री RK गुप्ता जी। ये यहाँ पर एक स्वास्थ्य कैंप के उद्घाटन के अवसर पर आए हुए हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि उन्हें ये कैसा लगा और इस प्रकार के जो स्वास्थ्य कैंप हैं ये मनुष्यों के जीवन में, भारतीयों के जीवन में किस प्रकार बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं श्री RK गुप्ता जी से। नमस्कार, मैं आज आप लोगों ने जो कैंप में बुलाया हूँ, कैंप को देखकर और जिन डॉक्टरों ने जो सेवा यहाँ दे रहे हैं उनका सेवा भाव देखकर मुझे लगता है कि इस तरह के कैंप जो है वो हमारे देश में और विशेषकर उन कॉलोनियों में, बस्तियों में जहाँ पर आम आदमी डॉक्टर के पास जाने से कतराता है, वहाँ ज़रूर लगने चाहिए। यहाँ ये जो कैंप आप लोगों ने लगाया है, इस कैंप में मैंने देखा कि डॉक्टर जो एकदम से डेडिकेटेड है, उनसे मेरी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि साहब हमने ये निश्चय किया है कि हम हर सप्ताह या महीने में या 20 दिन में किसी भी संस्था से जुड़कर जो अपने बस्तियां हैं जहां पर लोगों के पास इनकम नहीं है, वो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते या वो हॉस्पिटल आने जाने का उनके पास साधन नहीं है, तो हम उन बस्तियों में एक कैंप लगाएँ। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई ये देखकर कि इस तरह का भाव हमारे समाज में आ रहा है। और जितना भी मैं इस मीडिया के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि जो भी हमारे डॉक्टर भाई बहने हैं और जो भी और भी समाज में जो सेवा भाव लेकर कुछ करना चाहते हैं, उन सबको जो है आगे आना चाहिए। और देश में बहुत आवश्यकता है आप लोगों की सेवाओं की। और आपको देखिए, जब आप करेंगे तो आपको एक अनुभूति, अलग से एक प्यार, एक अलग खुशी की अनुभूति होगी। आपको लगेगा मैं भी देश के लिए कुछ कर रहा हूँ। को हर व्यक्ति देश के लिए कुछ कर सकता है। और ये स्वास्थ्य के मामले में मैंने देखा कि स्वास्थ्य जो है वो आज बहुत दूर होता जा रहा है आम आदमी से, क्योंकि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं वहाँ डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़ा खर्चा है। सरकार द्वारा इस विषय में कोशिश की जा रही है कि इसको कम किया जाए। पिछले दिनों जो स्टेंट का रेट कम किया गया, उससे लाखों लाख लोगों को फ़ायदा हुआ। और मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा डॉक्टर्स, सभी डॉक्टरों से, कि कृपया करके इलाज करते वक्त अपना जो परम धर्म डॉक्टर का होता है, जान बचाना, व्यक्ति के लिए सेवा करना, उसको महत्व दें और पैसे के पीछे इतना ना भागें। क्योंकि जो आम आदमी से बात होता है, यहाँ भी मैं बस्ती में घूम के आया हूँ, वहाँ जो लोगों से बात हुआ मेरा, उसमें यही होता है कि साहब बहुत खर्चा, बहुत पैसा लग रहा है, हम तो वहाँ जाने से डरते हैं, इसलिए हम छोटे मोटे क्लिनिकों पे जाते हैं और वहीं से जो दवा मिलती है उसको लेके आते हैं।
आप लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि आप सेवा नहीं कर रहे हैं और ज़्यादा पैसा जान पूछ के ले रहे हैं, खर्चा होगा, बट फिर भी जैसे यहाँ जो कैंप लगा है इसमें जो डॉक्टर्स आए हैं वो व्यक्तिगत प्रैक्टिस भी करते हैं और जुड़े भी हुए हैं, उन्होंने जो समय निकाल के सेवा भाव से फ्री सेवा कर रहे हैं। इसी तरह मेरा अनुरोध है कि जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं और अच्छे डॉक्टर्स हैं वो भी एक गरीब व्यक्ति से उसके हिसाब से कम पैसा ले, ज़रूरत है तो पैसा ना भी लें, लेकिन जान बचना, क्योंकि हम सब आपस में भाई हैं, एक दूसरे के मित्र हैं, परिवार हैं हमारा सबका, तो उस भाव से काम करें, भगवान उनको जरूर देगा, आपको भी तरक्की देगा और उनको भी देगा। हम सब एक हैं, पूरा भारतवर्ष एक है, ये देश एक है, और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसको सबसे पहले ये नहीं भूलना चाहिए कि वो मनुष्य है और सेवा भाव उसका परम धर्म होना चाहिए। जी श्वेता जी, बताइए आज आपको यहाँ पे मदर्स फाउंड स्कूल में कैसे आना हुआ? आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, मेडिकल कैंप, जिसमें हमारी साथ में इंदिरा कैंप को भी पड़ता है, वहाँ के लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज वो लोग खुद से अवेल नहीं कर पाते, तो उन लोगों के लिए कैंप एक एनजीओ के द्वारा एक कदम भविष्य समाज और शिक्षा की एक एनजीओ है, तो उसके द्वारा ये कैंप आयोजित किया गया है। और उस कैंप के इस एनजीओ के जो प्रेसिडेंट हैं हरीश शर्मा जी, क्योंकि वो हमारे जीजीसी के ही में ही रहते हैं और इस तरीके के कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहते हैं, तो इस नाते इस वार्ड की काउंसलर होने के नाते मेरा यहाँ आना हुआ। बहुत बढ़िया, मोदी जी ने भी एक स्कीमें चला रखी हेल्थ को लेकर के, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से देश में हमारी सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, निरंतर देश के गरीब लोगों के लिए, क्योंकि मोदी जी खुद उस तबके से निकल कर आए हैं, तो वो इन लोगों का दर्द जो है वो बहुत अच्छे से समझते हैं, और उन लोगों के लिए जितनी भी योजनाएं हमारी निकली, अगर आप कोई भी योजना देखें तो उसका जो मूल है वो देश का अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति। अभी आयुष्मान जो योजना हमारी निकली है वो भी इसी का ही एक रूप है। तो मोदी, हमारी जो सरकार है वो निरंतर लोगों के लिए काम कर रही है, गरीब लोगों के लिए समर्पित है। जैसे मोदी जी ने काफ़ी सारे स्कीमें चला रखी हेल्थ को लेकर के, तो क्या ये इम्प्लीमेंट आप अपने एरिया में भी करते हैं, लोगों को बेनिफिट पहुंचता है उन चीज़ों का? केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो देश के सभी लोगों के लिए है, और अगर हमारे क्षेत्र के लोगों को जिस प्रकार से, क्योंकि सांसद हमारे हैं श्री प्रवेश वर्मा जी, तो उनके माध्यम से अगर किसी को कोई मेडिकल हेल्थ कोई प्रॉब्लम होती है, उनको कोई हेल्प चाहिए होती है, जैसे कई लोगों का ट्रीटमेंट उनके द्वारा एम्स में कराया गया है, और अगर हम भी उनके पास कोई भेजते हैं तो वो जितनी उनसे हो सकती है, जिस प्रकार की भी मदद हो सकती है वो ज़रूर करते हैं, और हम भी लोगों को उनके पास भेजते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी जो हमारे सांसद हैं वो हमारे क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं, और एक जन औषधि केंद्र जिसमें बहुत ही कम रेट में लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध हैं वो भी गणेश नगर में खुला है, तो हम वहाँ भी लोगों को भेजते हैं कि जो दवाई आपको मार्केट में 200 रुपए की मिलेगी वो वहाँ 40 रुपए में मिलती है। तो गरीब लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, जरूरत अवेयरनेस फैलाने की, और इस तरीके के कैंप के द्वारा लोगों को अवेयरनेस जरूर मिलती है, लोगों की हेल्प होती है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा यहाँ आना हुआ, ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात। कितने लोग इस कैंप में अभी तक बेनिफिट ले चुके हैं? देखिए, अभी मैं आई हूँ, लगभग 11:30 बजे का टाइम है, तो तब तक मैंने पता किया, तो क्योंकि रजिस्टर तो मैंने नहीं देखा, तो एग्जैक्टली तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जो मेरी बात हुई है यहाँ पर, तो अलग अलग, क्योंकि अलग अलग चेकअप है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दांत चेक करा रहा है, कोई आँख चेक करा रहा है, कोई ECG करा रहा है, कोई ब्लड प्रेशर करा रहा है, तो कुल मिला के 200-250 लोगों का चेकअप अब तक यहाँ हो चुका है। कोई एक संदेश जो आप देना चाहते हैं अपनी जनता को? मैं यही कहूँगी कि हम देश हमारे लिए सबसे पहले होना चाहिए, उसके बाद समाज, और सबसे आखिर में हम स्वयं के लिए। आजकल उल्टा हो रहा है, लोग अपने लिए पहले सोचते हैं, स्वार्थ हमारे अंदर इतना ज़्यादा आ गया है, तो देश होगा तभी हम होंगे, इस देश के लिए हम सोचें। मोदी जी जैसा नेता हमें बार बार नहीं मिलेगा, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं भाजपा की प्रतिनिधि हूँ, एक आम जनता के नाते मैं देखती हूँ कि आम जनता के लिए जितने काम इस सरकार ने किए हैं कभी नहीं हुए इस देश में, तो मैं यही लोगों को कहना चाहूँगी कि हम उस नज़र से देखें कि मोदी जी जैसे देश के नेता को कि इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम सब मिलकर उस दिशा में काम करें, और इस तरीके के प्रयासों से हर जन जन तक हम जो नीतियां हैं वो पहुंचाने का काम करें, और इस तरीके के योगा है, जो हमारे हेल्थ चेकअप कैंप है, इनकी वजह से हम जो एक स्वास्थ्य लाभ लोगों को मिलता है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, तो हेल्थ हमारे लिए सबसे प्राइम एक वो होना चाहिए कि अगर हम हेल्दी होंगे तो तभी कर पाएंगे सब कुछ, हम देश की सेवा और ये सब चीज़ें। यही मेरा लोगों आप सबके लिए, लोगों के लिए ये संदेश है कि हम अपना ध्यान रखते रखते अपने समाज का और देश का ध्यान जरूर रखें।
हमारे साथ हैं पश्चिमी जिला किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री बलवीर त्यागी जी, जो कि पूर्व में निगम पार्षद रहे हैं और इस क्षेत्र की जनता के साथ उनका अभी भी लगातार बहुत अच्छा संपर्क है और गरीब झुग्गी बस्तियों में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं। आज उन्हीं के क्षेत्र की गरीब जनता की झुग्गी बस्तियों के लिए ये निःशुल्क जो सेवा कैंप लगाया गया है एक शिक्षा समाज एनजीओ की ओर से, आइए जानते हैं श्री बलवीर त्यागी जी से कि इस कैंप के आयोजन में उन्हें कैसा लग रहा है। बलवीर जी, ये आयोजन बहुत ही, जिसने भी काम किया बड़ा सराहनीय किया है। इन गरीबों को अगर ये स्वस्थ होंगे तभी भारत का विकास होगा, और गरीब आदमी को जितनी स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाएं उतना बहुत ही अच्छा है। जो स्वस्थ भारत स्वच्छता की बात करते हैं, क्या ये उसी की ओर एक प्रयास है? बिल्कुल, हमारे प्रेरणादायक मोदी जी हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर स्वस्थ होगा गरीब आदमी तभी इनको साथ लेके चला जा सके और देश में विकास में इसका अच्छा बड़ा हाथ होगा। मोदी जी ने जो भी किसानों के लिए अपने समर्थन मूल्य में जो बढ़ोतरी की है उससे किसान बहुत खुश हैं, और गरीबों के लिए जितनी भी योजनाएं की हैं, उज्ज्वला गैस योजना और जितनी भी स्वास्थ्य से संबंधित जीवन बीमा, उससे गरीब आदमी बहुत खुश है। और आज मोदी जी से जो वर्ग हमेशा दूसरी पार्टियों से जुड़ा रहता था, आज मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के सबके साथ सबके विकास में विकास कार्यों की सराहना करता है और मोदी जी के साथ चलने को हमेशा तैयार है। और इस योजनाओं के लिए हम मोदी जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं। और आज देश को अगर ज़रूरत है तो मोदी जी की ज़रूरत है। मोदी जी ने देश में विदेश में जैसे भारत का परचम लहराया है और देश एक अलग दिशा में अलग शक्ति की तरफ बढ़ रहा है। हम उम्मीद करते हैं आने वाले सालों में भी मोदी जी देश का नेतृत्व करेंगे और भारत विकास की तरफ बढ़ता रहेगा। हमारे साथ हैं श्रीमती रितु शर्मा जी, जो कि भाजपा की मीडिया सेल की केशवपुरम जिला की प्रमुख हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इस हेल्थ कैंप में उनका क्या सहयोग रहा और किस प्रकार यहाँ जनता का रिस्पांस मिला है, और ये झुग्गी झोपड़ी के लिए जो हेल्थ कैंप लगाने का विचार इनके मन में आया ये कैसे आया। रितु जी, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम रितु शर्मा है, मैं मीडिया प्रमुख जिला केशवपुरम हूँ और इस तरीके के निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर का मैं निरंतर आयोजन करती रहती हूँ। पूरी दिल्ली के अंदर मैंने कई जगह पे ये निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए, जैसे कि आपका 30,000 DLSS के साथ मिलके भी मैंने कुछ कैंप्स लगाए हैं, और आर्य महिला आश्रम में, राजधानी कॉलेज में, और विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अच्छे लेवल के कैंप्स लगाए हैं। मेन मेरा इन कैंपों को लगाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं दिल्ली की जनता को जागरूक कर सकूं कि वो अपने स्वास्थ्य का उतना ही ध्यान रखें जैसे बाकी चीज़ों का रखते हैं। हम बहुत सी चीज़ों में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं अगर कहीं समझौता करते हैं तो अपने स्वास्थ्य को लेकर करते हैं। इसीलिए मैं चाहती हूं कि आप सब लोग समय समय पर अपना बीपी, शुगर, ECG, आंखों की, दांतों की जांच कराते रहें, ताकि आपको अपनी बॉडी में, आपके शरीर में क्या हो रहा है वो पता चलता रहे और कुछ गंभीर समस्या आने से पहले आप उसका निवारण कर लें। ये मोदी जी ने जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो योग किया या जिस प्रकार उन्होंने वीडियो डाले कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए, क्या ये उसी की एक कड़ी का रूप है? हाँ, आप ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि हम जब स्वच्छ भारत है तभी स्वस्थ भारत है, और स्वस्थ भारत के लिए निरंतर अपनी जांच कराते रहना बहुत ज़रूरी है। हम सब मोदी जी के बताई हुई विचारधाराओं पर चल रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारत को एक नए मुकाम पर लेकर जाएं जहां विश्व में कोई भी देश उससे टक्कर लेने का साहस ना कर सके। संगीता जी, आप लंबे समय से इस NGO से जुड़ी हुई हैं और मैं लगातार सभी कार्यक्रमों में देख रहा हूँ आपकी सहभागिता है। महिला होने के नाते काफ़ी संख्या में या महिलाएं आपके इस कैंप में आ रखी हैं, तो ये निश्चित रूप से आपका प्रयास है। आप क्या कहना चाहेंगी कि इस कैंप का आयोजन करने का विचार कैसे है? सर, बस यही विचार है, यहाँ देखा हमने कि भाई यहाँ लोग नहीं जा पाते, उन पर इतने पैसे नहीं है कि वो अपने इलाज करा पाएँ, तो हमने सोचा चलो एक छोटा सा हम अपने NGO में काम तो कराते रहते हैं कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी में करवाएं तो इन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। तो हमने बस यही सोचा कि जितने गरीब लोग बच्चे हैं तो उनको अच्छे हम ट्रीटमेंट दे पाएंगे तो हमारी दुआ ही मिलेंगी, और तो बाकी ऐसा कुछ नहीं था। इसके लिए आपने महिलाओं में जाकर कितने दिन प्रयास किया कि क्योंकि झुग्गी झोपड़ी महिलाओं को कम से कम हमें पिछले एक महीने से हमें रोज़ सुबह शाम उन लोगों के पास जाना पड़ता है कि भाई आप आइए, क्योंकि ये लोग अपनी बीमारी बताना भी नहीं चाहते, अपने जहाँ जिस बीमारी से ग्रस्त हैं तो सोचते हैं हम यहीं पड़े रहें। तो हमने गया, उन्हें बताया कि आप जाओ, आपके लिए हम बोले आगे कैसे करेंगे, बोले ठीक है आप अभी तो आप चेक कराइए फिर आगे हम देखते हैं। हाँ जी सर, मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे अपनी अपनी बीमारियों को ना छुपाएं, छोटी हो या बड़ी बीमारी हो, जो भी है आप खुल के सामने आइए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। अश्वनी जी, आप इस NGO से कब से जुड़े हैं और यहाँ पर जो जाँच कैंप है इसमें सहयोग कर रहे हैं,
तो ये जन सेवा का भाव आप में कहाँ से आया? मैं इस एनजीओ से लगभग 6 महीने से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ झुग्गी जैसे सलम एरिया है यहाँ का, उनके लोगों के हालात देखते हुए, वो हॉस्पिटल में नहीं जा पाते हैं गरीबी को देखते हुए, इसीलिए हमने यहाँ एक निःशुल्क कैंप लगाया है, आगे भी लगाते रहते हैं, शिक्षा को भी लेके काम करते रहते हैं। हमारी एनजीओ है एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर। तो ये भाव आप में कहाँ से है, कैसे आपके मन में विचार आया? इस उम्र में लोग पैसा कमाने की तरफ दौड़ते हैं, आप एनजीओ के लिए समय दे रहे हैं, ऐसा विचार कैसे आया? ऐसा विचार ऐसे आया जब लोगों को देखते हैं, अंदरूनी भाव लगा लो या कुछ भी लगा लो, भाई एक अजीब सा फील होता है गरीब लोगों को देख के, इसीलिए। मैम आपका नाम क्या है? पूजा नाम है मेरा, डॉक्टर अग्रवाल आई क्लिनिक से हम आए हैं मोतीनगर से। कितने मरीज आंखों के आपके पास रजिस्टर्ड हो चुके हैं? सर 64। इनमें से ज़्यादातर की जो आँखों की समस्या है, तो किस प्रकार से आप सजेस्ट कर रहे हैं? सर आँखों की समस्या तकरीबन शुगर की वजह से भी आँखों पे इफेक्ट पड़ता है, कि पर्दे वही चेक कर रहे हैं कि कहीं शुगर की वजह से कोई आँखों पे इफेक्ट है, तो उनको दूर करने की। आप आँखें भी टेस्ट कर रहे हैं और उनको नंबर भी बता रहे हैं? हाँ जी। ताकि इससे भी लोगों की आँखें बच सकें? हाँ जी, उनसे पता चल सकता है कि भाई कितना नंबर है पेशेंट को, कितना नहीं है। हम हरीश जी से जुड़े हुए हैं जो कि ये एनजीओ चला रहे हैं एक कदम शिक्षा समाज, और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लड़कियों की, औरतों के लिए, सबके लिए ये काम करते हैं। पहली बार इनके साथ जुड़ा है मदर्स माउंट ग्लोबल स्कूल और बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है इनकी कोऑपरेशन, जितनी इनकी शिद्दत से काम करते हैं समाज के लोगों के लिए, जितना ये कुछ देना चाहते हैं उसके लिए मैं इनको ये कहना चाहूँगी कि स्कूल और हम इनके साथ हैं, और जो काम ये करना चाहते हैं एज अ स्कूल भी, हम बच्चों को अगर फ्री शिक्षा की हमारी इनसे बातचीत चल रही है कि हम शाम को एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को दें, तो वो सारा हम इनके साथ बात करके ज़रूर साथ में मिलकर बच्चों को और यहाँ की महिलाओं को बेहतर। ये जो हेल्थ कैंप लगाया और झुग्गी झोपड़ी के जो लोग आए, आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये हेल्थ कैंप इन्होंने फ्री में करवाया है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स बुलवाए हैं, अच्छे हॉस्पिटल से बुलवाए हैं, और लोग यहाँ पे चेकअप करा रहे हैं, तो देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि परेशानियाँ बहुत सारी हैं लेकिन इलाज कहीं नहीं था, और आज हम जुड़े हैं इस अच्छे सोशल कॉज में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आगे आपका स्कूल इस प्रकार के समाज? बिल्कुल बिल्कुल, हरीश जी से बात चल रही है हमारी, और भी हम यहाँ पढ़ाई, सिंस ये स्कूल है एक, तो हम चाह रहे हैं कि हम बच्चों को यहाँ पर बुलाकर शाम को पढ़ाई कराएं, क्योंकि हमारे पास टीचर्स हैं, बोर्ड हैं, किताबें मुफ्त में दें, जिससे कि बच्चे यहाँ पर पढ़कर उनका भविष्य बेहतर हो सके। दिल्ली का फेमस जयपुर गोल्डन अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है जो महंगी दवाई और जांचों का खर्चा ना उठा पाने के कारण स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझते मरीजों के लिए दिल्ली में जगह जगह ऐसी निशुल्क कैंप लगाता है, जिसमें वो अपनी वेल एक्सपीरियंस टीम के डॉक्टर्स को भेजकर ऐसे गरीब लोगों की बिना कोई फीस लिए मरीजों की परेशानी अनुसार जाँच, बीमारी संबंधी डॉक्टर के निर्देशन में बेहतर दवाएं निशुल्क प्रोवाइड कराता है। इस अस्पताल की डॉक्टर्स टीम भी बहुत वेल एक्सपीरियंस्ड, ईमानदार और मरीजों के प्रति अपने दायित्वों के लिए बहुत निष्ठा के साथ काम करती है। टीम का कैंप में आए गरीब मरीजों के लिए व्यवहार भी बहुत सरल और सहज होता है, ताकि वो आसानी से अपनी बात डॉक्टर के आगे रख सकें। इस हेल्थ कैंप के जो सहयोग है वो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल का है, और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के पीआर विभाग से श्री वर्मा जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं कि किस प्रकार से कितने डॉक्टरों की टीम आई है और क्या रिस्पॉन्स रहा है यहाँ पर। मेरा नाम रवि वर्मा है, मैं जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल से पीआर डिपार्टमेंट देखता हूँ। हम लोग इस तरह की एक्टिविटी जो है लोक कल्याण के लिए हम लोग करते रहते हैं, और ये जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल जो है हमारा 1991 में स्टार्ट हुआ था, और ये एक छोटे से 20 बेड का एक नर्सिंग होम के टाइप से स्टार्ट हुआ था, जिसमें हमने चैरिटी करके एक ट्रस्टी हॉस्पिटल है, और हम लोग यहाँ पे इस तरह से एक्टिविटी करते रहते हैं। तो रितु जी के सहयोग से हम लोग यहाँ पे एक कितने डॉक्टरों की टीम आई है हमारे यहाँ पे, हमने जो सेवा प्रदान कर रहे हैं हम इसमें वेट, शुगर और बीपी, जिसमें हम डाइट काउंसलिंग, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राजेश जो फिजिशियन है वो हैं, और ये लोग कर रहे हैं, बाकी ईसीजी वगैरह भी कर रहे हैं। तो ये जो लोग यहाँ पर मतलब गंभीर बीमारी से पीड़ित मिलेंगे, जब वो लोग आपके अस्पताल अगर इलाज आने कराने जाएंगे, तो क्या कोई उन्हें छूट वगैरह देने का प्रावधान, या कुछ पहली बार उन्हें कुछ
निःशुल्क? हाँ, हमारा एक ट्रस्ट हॉस्पिटल है जिसमें हम लोग BPL टाइप की जो कैटेगरी हैं उनको भी हम लोग उसमें एंटरटेन करते हैं। तो ये लोग अभी कभी भी आए हमारे यहाँ पे BPL की हमारे फ्री OPD कार्ड वगैरह बनते हैं, तो वहाँ पे हमारा मॉर्निंग में जनरल OPD होती है, उसमें आप इस सुविधा जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। सर नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश हूँ, जौहरी गोल्डन हॉस्पिटल से कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं एज ए कार्डियोलॉजिस्ट मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, छाती में दर्द हो, चेस्ट पेन हो, घबराहट हो, सांस फूले तो तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए। बेसिक टेस्ट एक ECG करना चाहिए और एक कार्डियोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए और उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज के व्यस्त जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि वो अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी भी अच्छे से उठा सके। ऐसे में बहुत बड़ी बात होती है जब कोई गरीबों के लिए अपनी परिवार की तरह सोचता है, उनकी शिक्षा, खान पान या जरूरी चीजों का वितरण हो या फिर उनके स्वास्थ्य को लेकर किए जाने वाले सामाजिक कार्य। हर क्षेत्र में एक कदम शिक्षा, समाज, भविष्य की ओर संस्था कभी अपनी ओर से तो कभी किसी दूसरी संस्था के सहयोग से अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मीडिया से बातचीत के दौरान संस्था के अध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि उनकी संस्था का सिर्फ एक ही प्रयास है कि जितना हो सके कोई भी गरीब वित्तीय अभाव के कारण अपने स्वास्थ्य शिक्षा से समझौता ना करे। गरीब लोगों के उत्तम स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में हमारी संस्था लगातार काम करती रही है और आगे भी करेगी। हरीश जी, जो आपने आज जो हेल्थ कैंप का आयोजन किया है, तो आप अपनी संस्था का नाम बताएं और इस हेल्थ कैंप के आयोजन का आपके मन में विचार कैसे आया, थोड़ा सा इस विषय में। इस संस्था का नाम है एक कदम शिक्षा समाज भविष्य की ओर। हमारा जो संगठन है वो हेल्थ को लेकर के काम करता रहता है, हम लोग ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं अच्छे अच्छे कैंप्स। जो स्लम एरिया है जहाँ पे लोग जा नहीं पाते, अपना इलाज नहीं करवा पाते प्रॉपर तरीके से, आँखों को चेक नहीं करवा पाते या कोई भी बीमारी है, तो उनके लिए हम ये सुविधा उनके एरिया में लगा करके कैंप उनको ये बेनिफिट पहुँचाते ताकि हमारा भारतवर्ष स्वस्थ रहे, कोई बंदा बीमार ना रहे, हमारी यही मुहिम है। और हम पूरी दिल्ली में कैंप ऑर्गेनाइज करवाते रहते हैं। हमारी जो संस्था है ये गरीब बच्चों के लिए एजुकेशन का भी काम करती है, महिलाओं के एजुकेशन के लिए भी हम लोग काम करते हैं। उस पूरी संगठन से 25 से 30 हज़ार लोग पूरी दिल्ली से हमारे से जुड़े हुए हैं और आप लोगों का सहयोग मिलता रहा तो ऐसे हम लोग कैंप लगाते रहेंगे और लोगों को स्वस्थ बनाते रहेंगे। आज झुग्गी झोपड़ी क्षेत्र से लगभग कितने लोग यहाँ अपना जांच करवाने आ चुके हैं? आपने देखा ही होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा और इसमें आप कम से कम 650-700 के आसपास अभी लोग आ चुके हैं और अभी आ ही रहे हैं। जिस सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक हेल्थ चेक का कैंप है और ये लोगों को बेनिफिट पहुँचता रहेगा और उनको बेनिफिट मिलता रहेगा। ये जो नरेंद्र मोदी जी का स्वस्थ भारत मिशन है, क्या ये उससे प्रेरित है कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे प्रेरित है क्योंकि मोदी जी हमारे देश के लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारी भी एक यही एक मुहिम है कि एक एक आदमी, एक एक नागरिक स्वस्थ रहे और स्वच्छ भारत अभियान जो उन्होंने चलाया हुआ है, स्वस्थता रहेगा तो बंदा स्वस्थ भी रहेगा। और हम चाहते हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, वो आगे ऐसे बढ़ते रहें, पूरा युवा, पूरी पब्लिक, महिलाएं, बच्चे सब उनके साथ हैं। भारत माता की जय। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 न्यूज़।